करनाल के दूनवेली इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल का पेपर देने आए छात्रों में रोष दिखाई दिया। छात्र छात्राओं ने गेट के बाहर खड़े होकर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संस्थान के प्रबंधकों द्वारा उनको प्रैक्टिकल के पेपर में बैठने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि उनसे कॉलेज प्रशासन पूरी फीस जमा करवा चुका है, परंतु अब और फीस जमा करवाने की मांग कर रहा है, जो उनसे पहले नहीं बताई गई थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दिया गया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इस अवसर पर बिहार से लगभग 100 के करीब छात्र छात्राएं दून वैली के बाहर कड़ी धूप में खड़ी रही। वह संस्थान के प्रबंधकों द्वारा संस्थान को अंदर से ताला लगाकर छात्र छात्राओं को बाहर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया गया। यहां हम आपको बता दें कि दून वैली इंस्टीट्यूट पहले भी विवादों में रहा है, जिसमें इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ बीएड का प्रैक्टिकल है। तो क्या दिक्कत आ रही है? प्रैक्टिकल देने नहीं दिया जा रहा है कॉलेज से। हम लोग का गेट कॉलेज के अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहते हैं? बोल रहे हैं आप लोग का फी जमा कीजिए। तो फी जो फी हम लोग का जमा है, उसके बाद भी प्रैक्टिकल नहीं देने दिया जा रहा है। हाँ जी, कहाँ से आया? छोटे बच्चे लेकर परेशानी के हालत में हम लोग। छोटे बच्चे लेकर बहुत परेशान है। कल बारिश में बहुत ज्यादा भींगे, फिर भी ये गेट नहीं खोला अंदर जाने के लिए, बैठने तक नहीं दिया। अब हमारी प्रॉब्लम भी नहीं सुनने का तैयार हो रहा है, हम लोग कैसे क्या करें? अपना पदाधिकारी से बात करें, चेयरमैन से बात करें, पुलिस को फोन के बोला चेयरमैन से बात करिए। अब पुलिस भी इसमें सहायता नहीं कर रही है, तब देखिए प्रशासन है, प्रशासन भी सहायता नहीं कर रही, तो हम लोग कहाँ जाए सर? किसके पास चेयरमैन? रोहित अग्रवाल। क्या कहते हैं वो? तो बोल रहे हैं सर वही रुपया का बारे में, बस क्या बोल रहे हैं? पैसा जमा करो तब होगा प्रैक्टिकल, प्रूफ भी देने के लिए तैयार। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? जी सर, दो साल से पढ़ रहे हैं सर। तो दो साल से आपने कोई पैसा दिया इनको? एडमिट कार्ड कैसे? एग्जाम दिए सर, वुमेन्स कॉलेज में एग्जाम दिए, बीएड का सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए। उसके बाद जो है हम लोग का एग्जाम हो गया क्लियर। प्रैक्टिकल 1 तारीख से 6 तारीख तक प्रैक्टिकल है, आज 5 तारीख हो गया है। कैसे क्या करें हम लोग को? प्रैक्टिकल नहीं होगा तो सर सब किया दिया पानी हो जाएगा सर। और हम लोग के घर में हाहाकार मच रहेगी, क्या हो रहा है तुम लोग के साथ? सर 1 महीना सर हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, मेरे पास एडमिट कार्ड है, लेकिन ये दुर्व्यवहार कि हम लोगों को कॉलेज के अंदर नहीं जाने के लिए नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं क्या? हम इस देश के नागरिक हैं, हमको सार्वजनिक स्थल पर जाने का पूरा अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। हम शिक्षा के संबंध में बात कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या कहते हैं वो? वो नहीं जाने दे रहे हैं, उस बोल रहे हैं कि बिहार से जो भी स्टूडेंट आया है उसको अंदर आने नहीं दिया जाए। तो क्या बिहार हिंदुस्तान से अलग स्टेट है? नहीं, तो एडमिशन दिया था उन्होंने आपको? एडमिट कार्ड है सर, मेरे पास मैंने एडमिट कार्ड दिया है, एग्जाम दिया है सर मेरे पास, 1 साल 2 साल दोनों साल मेरे पास एडमिट कार्ड है। कितने आदमी हो? हम लोग सर 100 आदमी है। कहाँ के सारे? हम सारे सारे बिहार से हैं सर। ये एडमिट कार्ड इस कॉलेज में है? एडमिट कार्ड है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, हमने सारी फीस दे रखी है, हम लोगों को आईडेंटी कार्ड है। लेकिन कॉलेज वाले एंट्री नहीं दिए, छोटे छोटे आईडी कार्ड बने हुए हैं बाहर गेट के बाहर। हम क्या इनके स्टूडेंट नहीं है? हमें प्रैक्टिकल देने दिया जाए और हम लोग कोई 5 दिन से हम लोग सड़कों पर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऐसे भटकते रहते हैं। कॉलेज साइन नहीं कर रहा है इस पे प्रैक्टिकल कॉपी पे। क्या रीजन बता रहा है? पैसा मांग रहा है। पेमेंट ड्यूज बता रहा है कि अभी भी आपके पास अतिरिक्त पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, जबकि एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो। पैसा कितना पैसा मांग रहा है? 48,000 और मांग रहा है, एक्स्ट्रा मांग रहा है 48,000 हम लोगों से। सर लास्ट में जब से हम लोगों ने टोटल फीस पहले ही दे रखी है, एनओसी सर्टिफिकेट हम लोग का। कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो अपना जमीन को बेच के दिया है पैसा, उसका बताइए उसका स्थिति क्या होगा? जो जमीन बेच के बहुत छोटा वर्ग के लोग हैं, सब यहां मेहनत से पैसा कमा के लाए हैं, अपना घर का जमीन बेच के रुपया दिया है, 1 से 1.5 लाख बताइए, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 2 साल बर्बाद हो जाएगा छोटा कास्ट के आदमी के लिए, जो सबसे बड़ी मेहनत है कहां से लाएगा? वो किसी तरह से अपना मैनेज कर, कॉलेज इस बात को समझने तैयार नहीं है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है हम लोग, क्या होगा? 2 साल लाइफ आदमी नहीं बल्कि वैसे वैसे 100 आदमी के जिंदगी का सवाल है। जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे तो जो यहाँ के लास्ट प्रिंसिपल थे शेरावत सर, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज का जो फीस है वो 48,500 या 9,000 ऐसा कुछ बताए थे। अब जो यहाँ का दोनों साल का बताए थे, अब जो यहाँ के चेयरमैन है वो बता रहे हैं कि 96,000 हमारे यहाँ फीस है और पूरा पैसा पेड करोगे तभी एग्जाम देने देंगे। एक दिन कॉलेज घुसने दिए थे, उसके बाद से कल बारिश हो रही थी, हम लोग बाहर खड़े रहे देखते रहे, हम लोग अंदर जाने नहीं दिया गया। अभी भी कॉलेज का गेट बंद है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अंदर जाने नहीं दे रहे।
रहा है, बहुत परेशान है जो लेडीज है। कितना पैसा बकाया आपकी तरफ? वो अभी भी बोल रहा है कुछ नहीं है। हम लोगों की तरफ से एक रुपया बाकी नहीं। जो हम लोग एग्रीमेंट बना था, जो पैसा का स्ट्रक्चर दिया गया था हम लोग का, उस हिसाब से हम लोग फुल पेमेंट कर दिए थे। हम लोग पास पूरा सबूत भी है, लेकिन वो जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि डबल पैसा मांग रहे हैं, यानी 48,000 की जगह पर वो 96,000 अभी मांग रहे हैं। और हम लोग पास इसके लिए पूरा सबूत भी है। अब हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारे मतलब हम जो धोखाधड़ी और जो परेशान किया जा रहा है, इस चीज को रोका जाए और हमारा एग्जाम और हमारा करियर को बर्बाद होने से बचाया जाएगा। हम यही मतलब काम यही ख्वाहिश करेंगे अपने सरकार से, जो यहाँ के सरकार है खट्टर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी तरह के आप यहाँ पर दखल दीजिए और हमारा करियर बर्बाद होने से बचा लीजिए। यहाँ पुलिस प्रशासन को भी कॉल किया गया, वो भी आने से मना कर रही है, वो भी नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। यहाँ के चेयरमैन हम लोगों को पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। अब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन और मीडिया के थ्रू से कि आप लोग प्लीज़ हमारे करियर को बर्बाद होने से बचा लीजिए और हमारा लाइफ बर्बाद होने से बचा लीजिए हम लोगों का। क्या नाम आपका? मेरा नाम सईद है सर। किस चीज़ के स्टूडेंट हो आप? बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं हम सब। कनाल के दून वैली इंस्टीट्यूट के बाहर विद्यार्थी खड़े हैं जो कि परेशान भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। किस वजह से खड़े हैं आपको? हम लोग यहाँ इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल जमा देने के लिए आए हुए हैं और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फी हम लोग सारा दे चुके हैं कॉलेज को, 48,000 रुपया फी है, वो हम लोग पेड कर चुके हैं। अब कॉलेज बोल रही है 96,000 रुपया फी है, वन बाय वन आइए फी जमा कीजिए तब एग्जाम देने देंगे। कहाँ से है? हम लोग बिहार हैं, इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और नाम आपका? मेरा नाम सुमन कुमार सौरभ। कौन सी क्लास? बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। एग्जाम हम लोग दे चुके हैं, इसके स्टूडेंट हैं। फिर भी देखिए आप देख रहे हैं कैमरा गेट बंद किया हुआ है, जबकि हम लोग इसके स्टूडेंट हैं। इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि हम लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं ही नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग का पूरा फीस जमा है, फिर भी आज हम लोग को प्रैक्टिकल से वंचित किया जा रहा है। कल से प्रैक्टिकल 29 तारीख से सारे लड़के यहाँ गेट पे खड़े रहे हैं, 29 तारीख से किसी को भी अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा है। यही अलग मैटर है, कॉलेज के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है हम लोग? गेट के बाहर क्यों खड़े जा रहे हैं? 1 तारीख से 6 तारीख का प्रैक्टिकल है, आज 5 तारीख हो गया। हम लोग को देखिए प्रैक्टिकल कॉपी हाथ में है, क्या करें अब आप लोग बताइए। यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बैठे हैं, कल तक हम लोग का प्रैक्टिकल हो जाए किसी तरह, यही चाहते हैं। लाइफ का सवाल जी, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल करवा दे किसी तरह कल तक, बस और कुछ नहीं चाहिए। और पैसा जो है हम लोग का यहाँ पे फी पूरा क्लियर किया हुआ है, लेकिन फी मांग रहा है वो फी का ये भी नहीं दिया, सर्टिफिकेट नोटिस सर्टिफिकेट नहीं मिला। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी फीस जमा किया कोई भी स्टूडेंट, उसका कोई भी क्या कहता है नोटिस सर्टिफिकेट कॉलेज देना नहीं चाहती है। और कॉलेज बरगलाती है और कहती है कि हम 90,000 का 2-2 लाख रुपया लेंगे, क्योंकि हमारा ये काम है। आप दुनिया लड़िए, जहां भी जाना हो जाइए, हम किसी प्रशासन शासन को नहीं मानते हैं, ये कॉलेज का कहना है। सर ये बेटा 1 तारीख से हम लोग सारे स्टूडेंट भटक रहे हैं, पर पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रही है। हमारा लाइफ क्रैश हो रहा है, चक्कर में ये नोटिस भी नहीं दे रहे हैं अभी तक। और 48,000 रुपया पान कहाँ से आए हैं मैम? बिहार से। किस चीज़ का पेपर था आपका? बीएड का फाइनल ईयर। कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वाले कह रहे हैं एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है, जबकि हमने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, सेकेंड ईयर का रिटर्न एग्जाम दिया है, अभी प्रैक्टिकल के टाइम में बोल रहे हैं 48,500 रुपया जो टोटल भी है वो पूरा देंगे।